कड़वा है मगर सच है। नंबर वन, लड़के और लड़की के प्यार में बस फर्क इतना है कि लड़की जिस्म तक दे देती है प्यार पाने के लिए, और लड़के प्यार ही करते हैं सिर्फ जिस्म पाने के लिए। नंबर टू, लड़कियों को इज्जत देने से मोहब्बत में मान का पता लगता है। जूते की नोक पर रखते हो, गालियां देते हो, तुम्हारे खानदान का पता लगता है। नंबर थ्री, गंदी सोच और गंदी नीयत तो दिमाग की होती है, वरना जिस्म की बनावट तो बहन की भी वैसी ही होती है। नंबर फोर, दुख इस बात का नहीं कि मैंने गलत इंसान से शादी कर ली, दुख तो इस बात से है कि भगवान ने एक ही जिंदगी दी और उसे भी मुझे घुट घुट कर जीना पड़ रहा है। नंबर फाइव, एक औरत को सब समझ होती है कि एक पुरुष उसे कब, कहां, कैसे धोखा दे रहा है, लेकिन वह रिश्तों के खातिर नादान और नासमझ बन जाती है। नंबर सिक्स, जिन लोगों के हाथ में ताकत होती है उन लोगों के दिल में रहम नहीं होता। नंबर सेवन, जिस बंदे को दिन की पेट भर रोटी नहीं मिलती उसके लिए इज्जत और मर्यादा सब ढोंग है। नंबर एट, द्वापर और त्रेता युग में जिन्हें मायावी राक्षस कहते थे कलयुग में उन्हें रिश्तेदार कहते हैं। बात कड़वी लगेगी लेकिन सत्य है। नंबर नाइन, समय गूंगा नहीं बस मौन है, वक्त पर बताता है कि किसका कौन है। नंबर टेन, याद रखना साहब, वक्त कभी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह तो सीधे सजा ही सुनाता है। नंबर अलेवन, पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक उसी प्रकार एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। नंबर ट्वेल्व, समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता, रोना तो उनको भी पड़ेगा जो दूसरों को रुलाते हैं। नंबर थर्टीन, स्त्री का जीवन कहाँ आसान होता है, माँ बाप के घर में बेटी मेहमान है, पति के घर में पत्नी परेशान है, पुत्र के घर में माँ पुराना सामान है, और सास ससुर से मिलता हमेशा अपमान है। नंबर फोर्टीन, कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ तन ही सुंदर दिखता है, रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए तो पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। नंबर फिफ्टीन, आँखों का पानी और दिल की कहानी दोस्त के सिवा कोई और नहीं समझ सकता। नंबर सिक्सटीन, हर लड़की को कम से कम इतना आत्मनिर्भर जरूर बनना चाहिए कि कभी उसे जीवन में शादी के बाद यह सुनना ना पड़े कि अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूँ तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती। नंबर सेवनटीन, अक्सर सोच समझकर औरतें रिश्ता निभाती है ससुराल में ताकि मायके का नाम बदनाम ना हो, फिर भी आदमी को लगता है औरत उनके टुकड़ों पर जीती है। नंबर 18, पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े में जो पहले मौन हो जाता है वही बुद्धिमान होता है। नंबर 19, यदि आप में जुनून की आग और मेहनत का ईंधन जल रहा है तो लोगों के ताने तारीफों में बदल जाएंगे। नंबर 20, अफवाहें नफरत करने वालों द्वारा बनाई जाती है, मूर्ख द्वारा फैलाई जाती है, और बेवकूफ द्वारा स्वीकार की जाती है। नंबर 21, वादों की जरूरत नहीं होती उन रिश्तों में जहां निभाने वालों को एक दूसरे पर भरोसा होता है। नंबर 22, इतिहास के पन्ने अब नहीं दोहराए जाएंगे, वह सतयुग का दौर था, यह कलयुग का दौर है, अब खुद शस्त्र उठा लो द्रौपदी, क्योंकि हर जगह श्री कृष्णा नहीं आएंगे। नंबर 23, झूठ भी बोलना पड़ता है, सच भी छुपाना पड़ता है, जिंदगी जीने के लिए हर रास्ता बनाना पड़ता है, शरीफ लोगों को जीने कहाँ देते हैं लोग, कभी कभी बुरा भी बन जाना पड़ता है, यह जिंदगी है साहब, यहाँ दर्द छुपाकर भी मुस्कुराना पड़ता है।
नंबर 24, पत्नी अगर 4 दिन दूर हो जाए तो पति सब्र नहीं कर पाता, वहीं अगर पास रहे तो कद्र नहीं कर पाता। नंबर 25, कुछ पति हर बहस में बड़ी आसानी से बोल देता है, मेरे हिसाब से चलना है तो चल, नहीं तो मेरे घर से निकल। बोल तो ऐसे देते हैं जैसे पत्नी को शादी करके नहीं बल्कि कहीं से खरीद कर लाए हों। नंबर 26, रिश्ते कांच की तरह होते हैं, इन्हें संभाल कर हथेली पर सजाना, क्योंकि इन्हें टूटने में पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। नंबर 27, जिंदगी सिर्फ तुम्हें एक ही मिली है, इसलिए इसे लोग क्या कहेंगे इस वाक से अपने कदमों का दम ना तोड़ें। नंबर 28, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। नंबर 29, इतने कड़वे भी मत बनो कि कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।